हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ ग्रेटर कैलाश के काली मंदिर में। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दुर्गा पूजा को बहुत ही बड़े लेवल पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस इवेंट को एकदम फेस्ट की तरह डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स भी लगी हुई हैं, जहाँ पर आप काफ़ी सारे शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसी के साथ आप मंदिर में जाकर दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, आपको काफ़ी सारी ऑर्गेनिक चीज़ें भी मिलेंगी, नॉर्मल चीज़ें भी मिलेंगी, होम डेकोर की चीज़ें भी काफ़ी सारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। जय माता दी। सो गाइज, ये है ग्रेटर कैलाश का काली मंदिर का एंट्रेंस। आप देख सकते हैं, यहाँ से ही आपको एंट्री लेनी होगी। और आप देखेंगे, यहाँ पर मंदिर के बाहर ही आपको इस तरीके से बल्लियों का यूज़ करके एक रास्ता बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। आप देख सकते कितना सारा क्राउड यहाँ पर आया हुआ था। तो हम जब मंदिर में एंट्री किया, तो आप देखेंगे इस तरीके से पूरे मंदिर को डेकोरेट किया गया है। मंदिर के चारों तरफ इस तरीके की स्टॉल्स आपको देखने को मिलेगी लाइन वाइज, जहाँ पर आप काफ़ी सारी शॉपिंग्स एंड फूड आइटम्स के मज़े ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ शॉप को चेकआउट किया, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ शॉपिंग के आइटम आपको यहाँ पर मिल रहे थे। कुछ ज्वेलरी वगैरह आप यहाँ पर ख़रीद सकते हैं, और जो गर्ल्स का या बॉयज़ भी अगर मेकअप करना चाहते हैं, तो उन सब के आइटम्स यहाँ पर मिल रहे थे काफ़ी सारे, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे। इसी के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर अपोजिट साइड में काफ़ी सारी चाट भंडार भी यहाँ पर लगे हुए थे। ये देखिए, ये सारी की सारी चाट की जो शॉप हैं, वो है यहाँ पर, गोलगप्पे वगैरह मिल रहे थे। इसी के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ होम डेकोर की चीज़ें भी मिल रही थी। ये आप देख सकते हैं, ये डोरमेट है, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको यहाँ पर मिल रहे थे, 300 के अराउंड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी के बाद आप देखेंगे, बराबर वाली शॉप पर आपको बच्चों के लिए काफ़ी सारे आइटम्स यहाँ पर मिल रहे थे, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे हैंडबैग लटके हुए हैं। इसी के साथ आप देखेंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों के टॉयज़ मिल रहे थे, जिसे बच्चे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं, बच्चा किस तरीके से चेकआउट यहाँ पर कर रहा था। इसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कोल्ड ड्रिंक्स और जूस के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं गाइज़, ये है पंडाल, और पंडाल में आप देख सकते हैं गाइज़, कितनी भीड़ आपको दूर तक दिखाई दे रही होगी। तो चलिए गाइज़, सबसे पहले हम आपको पंडाल में लेकर चलते हैं। सो गाइज़, आप देख सकते हैं पंडाल में कुछ इस तरीके से डेकोरेट की गया है चीज़ों को। ये देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से पंडाल को सजाया गया है। और गाइज़, यहाँ पर एक रंगोली बनाई गई है, शायद बंगालियों का कोई ट्रेडिशन होता है, हाथों से सब चीज़ें ये बनाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर एक रंगोली बनाई गई है। और गाइज़, आप देखेंगे पंडाल के अंदर काफ़ी अच्छी लाइटिंग भी की गई है, कुर्सियों का अरेंजमेंट भी किया गया है। यहाँ पर सभी कुर्सी डालकर यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं। और गाइस, पंडाल ही क्या, पंडाल के आउटसाइड भी बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर थी, जैसे कि आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक्चुअली ये लोग सभी शाम का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि शाम होते ही यहाँ पर जिनका ट्रेडिशन होता है नाच गाना, वो सब शुरू हो जाता है गाइस। तो आप लोग जब यहाँ पर आना चाहते हैं, तो शाम 7 बजे के बाद कभी भी विज़िट कर सकते हैं। वैसे तो मंदिर पूरे दिन खुला हुआ है, आप यहाँ पर पूरे टाइम में कभी भी विज़िट कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ का नाच गाना, जो ट्रेडिशन यहाँ पर शुरू होता है, वो शाम 7 बजे के बाद ही शुरू होता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर पूजा पाठ सब चलता रहता है, पूरे दिन में आप कभी भी विज़िट कर सकते हैं। और गाइस, आप देखेंगे मंदिर के चारों तरफ आपको इस तरीके से स्टॉल्स लगाई दी जाएंगी। और देखिए, सामने मंदिर है, यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको माँ दुर्गा के दर्शन कराना चाहता हूँ। ये देखिए, कितनी अच्छी प्रतिमा लगाई गई है गाइस, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लोगों की भीड़ थी। तो चलिए, हम भी मंदिर के पास में चलते हैं माँ दुर्गा के, और आपको पास से माँ दुर्गा के दर्शन करवाते हैं। सो गाइज़, आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से माँ दुर्गा की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट भी यहाँ पर किया गया है। ये आप देख सकते हैं, जय माता दी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, यहाँ से मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और गाइज़, आप देखेंगे ये जिस तरीके से माता रानी का जो पंडाल सजाया गया है, यहाँ पर हाथों से रंगोली बनाई गई है, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। देखिए आप, कितने अच्छे कलर्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, ब्राइट कलर यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। और यहाँ की जो दीवार है, उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है। ये आप देख सकते हैं, कपड़े के थ्रू यहाँ पर जो एक बैकग्राउंड है, वो तैयार किया गया है। उस पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर हाथों से पेंट के थ्रू बहुत ही अच्छी रंगोली यहाँ पर बनाई गई है। और ये देखिए, ये है माँ का दरबार, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था गाइस। सो आप लोग यहाँ पर कभी भी विज़िट कर सकते हैं, ये सुबह से लेकर रात 11 बजे तक के लिए ओपन रहता है। यहाँ पर काफ़ी सारे नाइट शोज़ भी होते हैं। इसके बाद गाइस, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए कितनी सारी भीड़ यहाँ पर आई हुई है। ये देखिए, पूरा का पूरा पंडाल भरा हुआ था, सभी लोग फोटोग्राफ क्लिक कराने में लगे हुए थे।
इसके बाद गाइस जब आप लेफ्ट साइड से पंडाल में एग्जिट करेंगे पंडाल से, तो आप देखेंगे ये काली माता का मंदिर है। यहाँ पर आपको दो तीन मंदिर और भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। इसी के साथ आप देखेंगे गाइस जब आप पंडाल से बाहर निकलेंगे और मंदिर की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारी स्टॉल्स यहाँ पर लगी हुई हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स और ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाएंगी। जैसा कि आप अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी सारे आइटम्स यहाँ पर मिल रहे थे जो कि ऑर्गेनिक्स थे। साथ में आपको मैं ये दिखा रहा हूँ पैम्पलेट, जिसमें आप पता कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी, क्या इनकी ब्रांड्स हैं। सो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर लगे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है गाइस। बहुत ही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी जो कि हम इस वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे आपको। इसके बाद गाइस आप देखेंगे यहाँ पर आपको खाने पीने के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिनके प्राइस भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें भी यहाँ पर मिलेंगी आपको, जैसे कि कुछ चॉकलेट्स यहाँ पर रखी हुई हैं जो कि हैंडमेड हैं। बाकी आप देखिए गाइस ये पंडाल है, ये भी हम पंडाल के बाहर साइड में खड़े हुए हैं और पंडाल के चारों तरफ आप देखेंगे इस तरीके से स्टॉल्स लगी हुई आपको नज़र आएंगी। ये देखिए यहाँ पर कुछ और भी ज़्यादा चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ कॉस्मेटिक के आइटम्स यहाँ पर मिल रहे थे। इसके बाद गाइस ये आप देखेंगे कुछ कॉटन के यहाँ पर सूट वगैरह आपको यहाँ पर मिल देंगे। ये देखिए कुछ शॉल वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। प्राइस वगैरह मैंने कंफर्म नहीं किए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लोग सब अपनी ख़रीदारी वगैरह में लगे हुए थे, सेलिंग वगैरह में। इसके बाद जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं बंगालियों का ट्रेडिशन होता है कॉटन की साड़ी गाइस, तो वो भी यहाँ पर मिल रही थी। इसी के साथ गाइस आप देखेंगे पूजा पाठ के भी काफ़ी सारे आइटम्स यहाँ पर मिल रहे थे। ये देखिए बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट गाइस, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट मुझे काली माता मंदिर का लगा यहाँ पर देखने में। और आप देख सकते हैं होम डेकोर की भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी। इसके बाद गाइस ये है काली माता का मंदिर, ये देखिए आप, इसी के पीछे पंडाल सजाया गया है और ये है मंदिर। यहाँ पर काफ़ी सारे कैंप भी लगे हुए हैं, बुज़ुर्ग लोगों के लिए भी, नॉर्मल लोगों के लिए भी। आप यहाँ पर फ्री में ब्लड अपना चेक करा सकते हैं, बॉडी चेकअप भी यहाँ पर किए जा रहे थे। ये देखिए इस तरीके से एक एक लाइन वाइज सारे चेक यहाँ पर चेकअप के कैंप लगे हुए हैं इस तरीके से। इसके बाद आप गाइस देखेंगे ये जो कैंप यहाँ पर लगे हुए हैं, इसके आउटसाइड में यहाँ पर भंडारा भी हो रहा था। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जो बंगाली का जो ट्रेडिशन जो प्रसाद होता है उसे खिचड़ा बोला जाता है, तो वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, तो जिसको भी यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे थे। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग बैठ के खा रहे हैं। सो ये इन लोगों का प्रसाद होता है जिसे ये खिचड़ा बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ के मंदिर के सामने यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक स्टेज लगाया हुआ है, जहाँ पर रात को 8 बजे के बाद जो भी जो फेमस सिंगर वगैरह होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो अपना जो भी सॉन्ग वगैरह है वो सब गाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे गाइस यहाँ पर भी कुछ स्टॉल्स लगी हुई हैं, ताकि आपको स्टॉल्स से कुछ भी ख़रीदना हो तो आप यहीं पर भी ले सकते हैं। तो बेसिकली आपको इस तरीके की स्टॉल्स पूरे जो भी पंडाल यहाँ पर लगा हुआ है जगह जगह मिल जाएगी, ताकि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर भागकर ना जाना पड़े, एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आप देखेंगे गाइस जब आप मंदिर से एग्जिट करेंगे तो मंदिर के बाहर भी आपको काफ़ी सारी स्टॉल्स मिल जाएंगी, बच्चों के आइटम्स आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए। जय माता दी गाइस।